फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस वक्त मैं चंडीगढ़ के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और मैं जो जर्नी करने जा रहा हूँ वो है चंडीगढ़ से मडगांव तक। मडगांव यानी कि गोवा, साउथ गोवा में है मडगांव। तो ये जो ट्रेन है आप पीछे देख सकते हैं, ये है गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि शनिवार यानी कि आज 2:15 में रवाना होगी और रविवार को 11:30 मडगांव पहुँचाएगी। और आज जो मैं जर्नी करने जा रहा हूँ वो है स्लीपर कोच S3, वो भी REC में। अब पता नहीं REC में इतना दूर कैसे ट्रैवल करूँ, 33 घंटा का जर्नी है। अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे 33 घंटा में। और ये ट्रेन के बारे में बता दूँ तो ये ट्रेन 13 स्टॉप के साथ मडगांव पहुँचाती है और सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी है और स्टॉपेज कम है और ये डिस्टेंस कवर करेगी 2160 किलोमीटर कवर करेगी चंडीगढ़ से गोवा के बीच तक। तो हम लोग कल पहुंचेंगे, मतलब यानी कि रविवार को 11:30 पहुंचेंगे दोपहर में, मतलब सुबह। और तो चलिए अब जर्नी देखते हैं कैसा जाता है REC में। तो 2:15 में डिपार्चर होगा तो डिपार्चर दिखाते हैं। तो हम लोग ऑन टाइम डिपार्चर हो चुके हैं चंडीगढ़ से। तो ये देखिए डिपार्चर, तो हम लोग 6 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर हो चुके हैं गोवा जाने के लिए 2:15 में। चंडीगढ़ से डिपार्ट हो चुके हैं तो चलिए देखते हैं REC का सफ़र कैसा रहता है। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं। सुबह हो चुकी है तो हम लोग अभी मथुरा के आसपास है, मथुरा पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि REC का मेरा सीट तो मिला नहीं है। आप देख ही सकते हैं ट्रेन पूरा फुल है पूरा। तो मैंने इस ट्रेन का बुकिंग किया था 1 महीना पहले, वेटिंग था 5। तो अभी तक 1 महीना पहले भी 5 वेटिंग करने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ REC में सीट मिला है। और मेरे जो REC पार्टनर हैं उन्होंने भी बोला कि कितना वेटिंग आपने बोला था, इन्होंने भी इन्होंने भी 3 वेटिंग किया था, मेरे से पहले किया था, इनको भी REC मिला है। तो आपका नाम? मेरा नाम नितिन शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और आप करते क्या है? मैं शेफ हूँ गोवा। शेफ है होटल गोवा में रहते हैं तो शेफ है, तो समझ सकते हैं खाना अच्छा बनाते होंगे। क्या क्या बना लेते हैं? सब इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन आइटम जो भी अपना। आपका मेन स्पेशल क्या है? नॉर्थ इंडियन। तो चलिए आगे का जर्नी बताते हैं आपको। और ट्रेन के बारे में बोलूँ तो ये देखिए ट्रेन पूरा फुल है।
एक्सप्रेस अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव हो रही है और हम लोग मथुरा स्किप कर चुके हैं। स्टाफ लोग ट्रेन को क्लीन करते हुए, तो ट्रेन में सफाई के बाद तो सफाई है अभी तक, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कल सुबह हम लोग गोवा 9:30 छोड़ देगी। कोटा में पता ही आप सबको ये इसलिए फेमस है, कोचिंग हब कहा जाता है इंडिया में, तो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने आते हैं इधर। तो कोटा से डिपार्ट हो चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, और अगला स्टॉप इसका 526 किलोमीटर बाद है। स्टॉप 526 किलोमीटर रन के बाद पहुंच गए हैं वडोदरा, जो कि गुजरात स्टेट में है, और ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है गुजरात में पॉपुलेशन के मामले में। तो ये ट्रेन हम लोग अभी यहाँ तक अप्रॉक्स 1000 के ऊपर किलोमीटर कवर कर चुके हैं और 15 घंटा यहाँ से बचा हुआ है। हम लोग वडोदरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँच चुके हैं और इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट 10 मिनट का है, तो फिर 10 मिनट बाद यहाँ से हम लोग डिपार्ट कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ से अगला जो स्टॉप है वो है सूरत, जो कि डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं सूरत में।
तो हम लोग बड़ोदरा से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट हो चुके हैं 6:37 में। तो ये देखिए बड़ोदरा स्टेशन 1 नंबर प्लेटफॉर्म, काफ़ी भीड़ है, अच्छा भी है देखने में। किसी ने आगे चेन खींच दिया है इस ट्रेन का, आगे में चेन खींच दिया है। ट्रेन का ये दूसरा बार चेन खींचा है, दूसरा बार। तो देखते हैं अब कब तक यहाँ से डिपार्ट होते हैं। अनाउंस भी हो रहा है कि इस ट्रेन का तो इस ट्रेन का अगला स्टॉप है सूरत जंक्शन। तो सूरत यहाँ से 130 किलोमीटर बाद है, तो अगला मिलते हैं सूरत में।
सूरत पहुंच चुके हैं। सूरत अब सभी को पता ही है, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत। और ये गुजरात के स्टेट में है सूरत शहर जो है, ये भी अच्छा खासा बड़ा शहर है गुजरात में। और हम लोग यहाँ पे दो नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। और ये ट्रेन अभी तो फिलहाल अपने ऑन टाइम चल रही है, निर्धारित समय से चल रही है अभी तो। और यहाँ का अराइवल टाइम था 8:06 पे, तो अभी 8:05 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग 5 मिनट का हॉल्ट लेके फिर यहाँ से हम लोग रवाना होंगे। और अगला जो स्टॉप है वो है सीधा महाराष्ट्र में, वो है वसाई रोड। तो फिर वहाँ मिलते हैं 11 बजे। लोग यहाँ से 200 किलोमीटर है और अब तक हम लोग यहाँ पे 1,365 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और यहाँ से गोवा और 794 किलोमीटर बाकी है, यानी कि 12-13 घंटा और लगेगा। तो उसके बाद सीधा गोवा पहुँचेंगे कल सुबह। और रात का देखते हैं, अभी तो RAC सीट है तो देखते हैं क्या होता है रात में, सोने का सीट मिलता है कि नहीं, नहीं तो फिर ऐसे ही जाके जाना पड़ेगा। कोई नहीं, आगे अपडेट देते रहेंगे आपको। हम लोग का डिपार्चर टाइम हो चुका है 8:11 में, हम लोग का यहाँ से डिपार्चर है। तो वो देखिए सामने सिग्नल भी दे चुका है, हम लोग को शायद सिग्नल नहीं दिखेगा, वो देखिए पीला हो गया है। तो अभी हम लोग 1 मिनट में डिपार्ट करेंगे यहाँ से 2 नंबर प्लेटफॉर्म से सूरत से। तो 11 हो चुका है तो हम लोग डिपार्ट होने के लिए तैयार है एकदम सूरत से। तो ये देखिए हम लोग डिपार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग सूरत से डिपार्ट हो चुके हैं। ये देखिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म कितना भरा है, काफ़ी रश है सूरत में 2 नंबर प्लेटफॉर्म में। महाराष्ट्र के वसाई रोड में पहुंच चुके हैं। तो ये ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग था 11:05 पे, तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंचे हैं। तो यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। तो हम लोग वसाई रोड पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र में आता है, तो इसके बाद जो स्टॉप है वो है पनवेल जंक्शन। तो यहाँ से मुंबई मात्र 60 किलोमीटर है, तो हम लोग मुंबई नहीं जाएंगे, तो हम लोग बाईपास से निकल जाएंगे पनवेल से। पनवेल से सीधा रत्नागिरी होके गोवा पहुंच जाएंगे। और यहाँ से गोवा लगभग 577 किलोमीटर है। और अभी तक हम लोग यहाँ पे 1,580 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग डिपार्ट होंगे 11:05 पे। तो अभी तक देखते हैं रात 12-1 बजे के बाद अगर कोई सीट खाली होता है तो फिर सोएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ के गोवा तक जाएंगे। क्योंकि RAC में अब कुछ कर नहीं सकते हैं। 1 महीने पहले टिकट बुक किया था, 5 वेटिंग सब भी कंफर्म नहीं हुआ,
तो कोई नहीं, तो हम लोग वसई रोड से डिपार्ट हो चुके हैं 11:05 में। देखिए डिपार्ट होते होते 11:06 हो गया है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग ऑन टाइम चल रहे हैं, तो लगता है गोवा टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग कानपुर रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये देखिए सुंदर सा सनराइज, तो गोवा के बहुत करीब है, तो यहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा ही लग रहा है अभी, तो आगे देखते हैं। हम लोग गोवा एंटर कर चुके हैं, तो ये गोवा का पहला स्टॉप है, स्टेशन का नाम है पेरनम, और हम लोग यहाँ पे 4 मिनट पहले पहुँच चुके हैं। ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग था 8:50 और यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप है, तो हम लोग यहाँ पे 4 मिनट पहले पहुँचे हैं, तो यहाँ से हम लोग 8:52 को डिपार्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ से गोवा मैं जहाँ उतरूँगा करमाली, वो यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर है, तो इसके सेकंड लास्ट स्टॉप है करमाली, तो चलिए और 28 किलोमीटर तक हमको ये ट्रेन में जर्नी करना है। अभी तक हम लोग यहाँ से डिपार्ट नहीं किए हैं, तो मैं सोचा कम से कम सुबह का टाइम है तो कुछ पी लेता हूँ, तो कॉफ़ी पी रहा हूँ। कॉफ़ी काफ़ी अच्छा है, जो कि इसका प्राइस था 25 रुपीज़, कॉफ़ी अच्छा कॉफ़ी था। तो देखते हैं यहाँ से कब तक डिपार्ट होते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ देखिए लड़ाई हो रहा है, तो देखिए सब देख रहे हैं यार, यहाँ छोटा मोटा लड़ाई हो रहा है।
हम लोग थीवीम से डिपार्ट हो चुके हैं, ऑन टाइम डिपार्ट हो गए हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे थीवीम में लगभग ट्रेन खाली हो चुका है। तो थीवीम के हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट हो चुके हैं। तो अगला स्टॉप है करमाली, जो कि जहाँ से पंजीम नज़दीक पड़ता है। तो मुझे पंजीम जाना है, तो मैं भी करमाली उतरूँगा। देखिए लगभग ट्रेन खाली हो चुका है। थीवीम फाइनली मेरा डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूं करमाली। तो 32 घंटे का जर्नी कंप्लीट हुआ आरएसी में। तो आरएसी में उतना तकलीफ हुआ नहीं, लेकिन दोनों रात में सीट मिल चुका था सोने के लिए। तो इस ट्रेन का ये सेकंड लास्ट स्टॉप है। तो अगला स्टॉप इसका मडगांव है, जो कि लास्ट स्टॉप है इसका। तो मैं पहले उतर गया हूं, क्योंकि यहां से मुझे पंजीम जाना है। तो पंजीम यहां से नज़दीक है, यहां से पंजीम 10-15 किलोमीटर होगा। तो ये जर्नी ही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में और अगले कई नई जर्नी में। तो ये ब्लॉग यहीं तक। तो और इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो ये ट्रेन काफ़ी अच्छा ट्रेन है, ऑन टाइम सब जगह चलता है। एवरेज स्पीड इसका अच्छा खासा है, और मैक्सिमम स्पीड में ये रन होता है 130 किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये ट्रेन
एक हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेन है गोवा आने के लिए। दिल्ली से राजधानी के बाद यही ट्रेन सबसे बेस्ट ट्रेन मुझे लगता है कि गोवा संपर्क क्रांति। तो ये देखिए, ये ट्रेन करमाली से डिपार्ट हो चुका है। बाय बाय गोवा संपर्क क्रांति, बाय बाय। काफ़ी अच्छा जर्नी था इस ट्रेन में, काफ़ी अच्छा ट्रेन है, ऑन टाइम सब जगह चलता है। अगर राजधानी के बाद अगर दिल्ली से आपको गोवा आना है तो ये ट्रेन आप प्रिफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेन है। ट्रेन